संबल की निमृत कौर आलो वाली डिस्कशन रूम में बैठ के जो है सौंदर्य के सामने जम के तारीफ करती हुई नजर आई और वहीं पर जो है उसका टारगेट निमृत का प्रियंका थी कि भाई प्रियंका जो है काफी ज्यादा एक्टिंग और काफी ज्यादा ड्रामा और फेक चीजें करती है, यहाँ पर उसमें घमंड बहुत ज्यादा है, ऐसा कहना जो है निमृत का है। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। निमृत जो है काफी सारी बातें प्रियंका के बारे में कर रही है, उसकी मेन पॉइंट जो हमें लगता है कि हाईलाइट करने चाहिए हम आप तक पहुंचा रही हैं। हो सकता है कि उनमें से आपको कुछ चीजें जो है दिखाई जाए एपिसोड के जरिए, हो सकता है आपको उनमें से कुछ चीजें अलग दिखाई जाए। पर इसी बीच में जो है ये लोग डिस्कशन रूम में बैठे हैं, सामने प्रियंका और टीना बैठी है। प्रियंका और टीना को देखने के बाद जो है निमृत बोलती है कि यहाँ पर सबके चेहरे जो है काफी ज्यादा अलग हुए हैं। अभी ये यहाँ पर ये ऐसे मुकाम पे आ गया है कि किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सब लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, बहुत ज्यादा घमंडी हो चुके हैं कि हमारा तो ये हो गया, हमारा तो वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इस घर में देखा जाए तो एंसी स्टैन और अंकित जो है, अंकित को बिल्कुल भी अपने ना तो करियर का घमंड था, उसने भी बहुत ज्यादा काम किया है, ना तो उस चीज का घमंड था, ना तो उसके फैंस का घमंड था, ना तो उसने जो काम किया किसी भी चीज का उसको घमंड नहीं था, और इवन सुमुल को भी घमंड नहीं है। ये लोग बहुत डाउन टू अर्थ है, जहां पर सौंदर्या बोलती है कि हाँ यार उन्होंने बहुत काम किया होगा ना तो उनको सबर आ जाता है, जहां पर निमृत का कहना यह है कि और लोग तो काफी ज्यादा घमंड करते हैं। मैंने जब ये चीज सुनी तो वहां पर मेरे माइंड में एक स्ट्राइक आई एक बात कि निमृत अपने बारे में तो यहाँ पर बोल ही नहीं रही, यानी कि निमृत को भी खुद को घमंड है, यानी कि सौंदर्या के बारे में भी बात कर रही है, यानी कि निमृत को भी फैन फॉलोइंग का घमंड है, निमृत को भी अपने काम का घमंड है, पर सिर्फ घमंड अंकित और एमसी स्टैन और सुमुल को नहीं है। आपका क्या विचार है बताइए जरूर, जो बात मैंने पकड़ी है तो आप बोलेंगे सही पकड़ा है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।